Hello friends, I am Dr. Ali Anwar Qureshi and I again welcome you in my YouTube channel Health Consultant Friend. Friends, आज हम एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने वाले हैं. हमारे एक सब्सक्राइबर, हमारे एक दोस्त डॉक्टर कन्हैया लाल रेगर, इन्होंने हमसे एक रिक्वेस्ट की है कि कौन सा इंजेक्शन किस कंडीशन में नहीं देना चाहिए और कौन सा टैबलेट किस कंडीशन में देना नहीं चाहिए या किस कंडीशन में देना है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे. हाँ ज़रूर डॉक्टर साहब, हम आपको ये वीडियो बना के बताएंगे. और आज थोड़ा सा मैं बात बताऊँगा, आखिर का जो 3 मिनट है उसके बारे में मैं बात करूँगा. शुरुआत आज की मैं करूँगा फ्रेंड्स, आज की जो शुरुआत है वो है टैबलेट न्यूरोबियन फोर्ट. जैसा कि ये टैबलेट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका नाम है न्यूरोबियन फोर्ट. ये एक कवर है और इस कवर में न्यूरोबियन फोर्ट के 30 टैबलेट्स का एक पैक आ रहा है जिसकी कीमत लगभग 26 रुपये है. मतलब एक गोली की कीमत 1 रुपये भी नहीं है. फ्रेंड्स, इसका मेन कंटेंट क्या है? इसका मेन कंटेंट है विटामिन B12, जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबालमाइन. और ये विटामिन B12 या साइनोकोबालमाइन की हमें आज के दौर में बहुत कम मात्रा में ये हमें मिल रहा है और इसकी बहुत हमें कमी या डेफिशिएंसी हो रही है फ्रेंड्स. तो एवरी पर्सन ने ये टैबलेट न्यूरोबियन फोर्ट जो है कंजम्पशन करना चाहिए. हर दिन एक खा सकते हैं इसको, पूरा महीना, 2 महीने, 3 महीने, कितने भी दिन आप इसको खा सकते हैं, या इवन 1 महीने के लिए कम से कम आपने इसको खाना चाहिए. इसके कंटेंट के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स. तो थायामिन है, राइबोफ्लाविन है, साइनोकोबालमाइन जैसा बताया मैंने, और कैल्शियम पेंटोथेट है, और निकोटिनामाइड. इतना इसका 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है फ्रेंड्स. बट मेन कंटेंट जो है इसका विटामिन B12 साइनोकोबालमाइन. इसके यूजेस दिन में एक बार लेना है, ये खाली पेट भी ले सकते हैं या खाने के बाद भी ले सकते हैं फ्रेंड्स. और इसका यूज़ क्या में होता है, जिस पेशेंट को वीकनेस है, जिस पेशेंट को डायबिटीज़ है, जिस पेशेंट को जॉइंट पेन है, जिस पेशेंट को नर्व प्रॉब्लम है, जिस पेशेंट को वीकनेस है, जिस पेशेंट को मेंटल वीकनेस या स्ट्रेस है, ऐसे सभी पेशेंट में, जिस पेशेंट को नर्व प्रॉब्लम है, जिस पेशेंट को बालों का प्रॉब्लम है, बाल कम है, ऐसे सभी पेशेंट में ये जो है एक बहुत ही बढ़िया और अद्भुत टैबलेट है फ्रेंड्स. तो आप सभी जो है मेरे हिसाब में, किसी को भी ओल्ड एज पेशेंट है, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, इन सभी पेशेंट में, एस्थमेटिक पेशेंट में, कोई भी नॉर्मल इंसान भी इस टैबलेट को कंजम्पशन करना चाहिए मेरे हिसाब से, न्यूरोबियन फोर्ट. तो अभी आते हैं मिस्टर कन्हैयालाल, डॉक्टर कन्हैयालाल रेगर के प्रश्न के ऊपर कि सर बाबा, जैसा कि आप पूछे कि कौन से कंडीशन में कौन सा इंजेक्शन नहीं देना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि डायनापर इंजेक्शन जो है ये अल्सर के कंडीशन में, किडनी फेलियर के कंडीशन में नहीं देना है. बाकी ये कौन से भी प्रकार के पेन में या फीवर में इसका यूज़ हो सकता है. पैरास्टामोल इंजेक्शन फीवर पेन में यूज़ हो सकता है, इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है. डेरीफाइलिन इंजेक्शन एस्थमेटिक पेशेंट में यूज़ होता है, बट अगर ज़्यादा हार्ट का प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में नहीं देना है. या डेफिनेटली फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, हाइड्रोकॉट इंजेक्शन एस्थमेटिक पेशेंट, शॉक के पेशेंट में हम दे सकते हैं. पर जिसको ज़्यादा शुगर है वैसे पेशेंट में हाइड्रोकॉट इंजेक्शन आप ना दें. फिर जिस पेशेंट में ऐसे पेशेंट आपको दिखे कि बाबा आपको लगा कि उसको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, राइट साइड में पेन है एब्डोमेन में, तो ऐसे पेशेंट में आपने इंजेक्शन डायनापर के एवज में, उसके बगैर, उसको नहीं वापरते हुए आप इंजेक्शन बस्कोपेन वहाँ पर वापर सकते हैं. और टैबलेट्स के फॉर्म में मैं आपको बताऊँगा फ्रेंड्स, इंजेक्शन में और 2-3 बातें बताऊंगा कि रैनटेक और पैन ऑनडेंस्ट्रॉन ये जो है एसिडिटी और वोमिटिंग में देते हैं, तो ये तो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है. ये सभी इंजेक्शन का मैंने पिछले मेरे इंजेक्शंस फॉर क्विक रिजल्ट इस प्ले लिस्ट में मैंने बनाया है, उसमें आप जाके देख सकते हैं डॉक्टर साहब. फिर बाद में मैं आप टैबलेट के बारे में बात करूँगा, जैसा कि मैंने डेलपार के बारे में बात की है कि वो जो है किडनी फेलियर और अल्सर के पेशेंट में नहीं देना है. तो कोई भी पेशेंट को किसी भी टैबलेट की अगर रिएक्शन है तो वैसे टैबलेट उस पेशेंट को नहीं देना चाहिए. खासकर अस्थमेटिक पेशेंट में एक टैबलेट बहुत यूज़ होती है, कॉम्बिफ्लाम, तो वो टैबलेट अस्थमेटिक पेशेंट में नहीं देना है. कोई भी अस्थमेटिक पेशेंट में NSAID जब आप वापर रहे हैं तो थोड़ा केयरफुली दीजिए. इसके अलावा टाइम टू टाइम मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप जो है उसको देखिए और नॉलेज लीजिए.
मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।